हमें कुछ जानना है हमें या कुछ हमें सीखना है, तो सबसे पहले हमें एकदम अपने दिमाग को खाली करना होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी बाल्टी में अगर पानी भरा हो तो उसमें अगर पानी अब नहीं डाल सकते, इसी तरह मेमोरी फुल हो जाए तो उसको वो उसमें डिलीट करके उसको निकालना होगा, नहीं तो घुसेगा नहीं। इसी तरह हम कोई सीखना चाहते हैं तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमें कुछ नहीं आता। अगर जिस दिन हम लोग ये माने कि हमको कुछ नहीं आता तभी हम सीखना चाहेंगे। और लर्निंग के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमको ये जानकारी हो, ये मान के चले कि हमको कुछ आता ही नहीं है। और कोई भी प्रोफेसर, कोई मास्टर, कोई भी टीचर ये मानता है कि अगर उसे कुछ नहीं आता वही सीखता है, वही प्रोग्रेस कर सकता है। अभी देखिए कोई भी चीज़ आज जो है उसमें नए नए रिसर्च होते रहते हैं, आज जो है उसे कल उससे उसका निचोड़ निकाल कर ऐसा कहा जा सकता है कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आज जो है वो कल उसका कोई मतलब नहीं है, कल वो काम नहीं आएगा। तो इसी तरह हमें नई नई बातों को सीखते रहना चाहिए। और एक चीज़ सबसे ज़रूरी है कि आपको अनुभव, आप एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। एक्सपीरियंस से हम जब सीखते हैं तो हमें उसको कभी हम भूल नहीं सकते, वो हमेशा याद रहेगा हमारे पास। और जो चीज़ हम किताब अगर हम दूसरे जगह से नॉलेज लेते हैं तो नॉलेज आज जो ले रहे हैं वो कल, कोई ज़रूरी नहीं कि कल रहेगा, लेकिन एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है कि एक्सपीरियंस हमें हमेशा काम आएगा। एक्सपीरियंस जो है जो हम ये ऐसी शिक्षा है कि इसका हमेशा हमें इसका यूज कर सकते हैं और हमें इसके हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस जिसे कहा जाता है। इसी तरह हम सीखने के लिए हमें खुला दिमाग होना चाहिए, इसी तरह हम सीख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।